जय हिंद साथियों, मैं इस वीडियो से आपको इतना परेशान करने वाला हूं कि आप चाहकर भी इस वीडियो को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ कमेंट करना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। बने रहिए वीडियो में। चलिए हम बताते हैं आप क्यों होंगे परेशान। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस जीवन में कोई आविष्कार के बारे में न सीखा हो न जाना हो। हमारी आज की दुनिया में ऐसे ऐसे आविष्कार होते हैं जो विनाशकारी के अलावा शायद कुछ भी नहीं देते, लेकिन यही आविष्कार जब पहले किए गए थे, कब किए गए थे, क्यों किए गए थे और किस कारण से किए गए थे, ये सारी बातें जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं। एक हिस्ट्री के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक, एक जनरल नॉलेज के मुताबिक सबसे पहले हम बात करेंगे नवपाषाण काल के, क्योंकि ये घटनाएं नवपाषाण काल से ही स्टार्ट होती हैं। नवपाषाण काल के प्रमुख आविष्कार ऐसे थे जिनको जानकर हम सभी को बहुत मजा आएगा। नवपाषाण कालीन मानव के जीवन में पहिए का आविष्कार एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हुआ। इस आविष्कार के कारण मानव ने नई सभ्यता की ओर चरण बढ़ाए तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की। इस आविष्कार से लाभान्वित होकर मानव ने सभ्य और संस्कृति जीवन में प्रवेश कर लिया। पहिए के आविष्कार के कारण ही यह युग नवपाषाण युग कहलाता है। तो चलिए जानते हैं पहिए के आविष्कार के बाद आखिर में पहिए से क्या प्रभाव पड़ा। पहिए के आविष्कार में नवपाषाण कालीन मानव का जीवन निम्नलिखित रूपों में प्रभावित हुआ। पहिए का आविष्कार मानव जीवन के प्रगति का प्रमुख आधार स्तंभ बन गया, जिसमें मानव सभ्यता के विकास की गति और तीव्र हो गई। पहिए की सहायता से सर्वप्रथम मनुष्य ने चाक बनाया और इसके पश्चात वह विविध प्रकार के बर्तन व अन्य घरेलू वस्तुएं भी बनाने लगा। इससे मनुष्य की भोज्य सामग्री एकत्र करने की क्षमता बढ़ गई। पहिए की सहायता से मनुष्य ने गाड़ियां बनाना प्रारंभ कर दिया। इन गाड़ियों से वह स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा तथा अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में समर्थ हो गया। यातायात के साधन में मानव की पहली रचना संभवतः गाड़ी ही थी, जो पहिए पर चलती थी। ये गाड़ियां कहीं बैलों द्वारा खींची जाती थी और कहीं कुत्तों द्वारा खींची जाती थी। गाड़ी से ही रथ का विकास हुआ। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य को निवास स्थान बदलने में भी बड़ी सहायता प्रदान की। पहिए की सहायता से मनुष्य ने कताई बुनाई कला में तेजी के साथ उन्नत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार पहिए का आविष्कार निसंदेह नवपाषाण युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने आधुनिक सभ्यता का श्री गणेश कर दिया। आज भी हम यह कल्पना नहीं कर पाते हैं कि क्या पहिए के बिना हमारा काम चल सकता है। अनुमान है कि आविष्कार को उपयोगी बनाने से पूर्व विकास के अनेक चरणों से गुजरना पड़ा होगा। तो मैं आपके लिए एक कमेंट सेक्शन देता हूँ, जरा आप हमको कमेंट में बताइए, यदि पहिए का आविष्कार ना होता तो आज हमारा जीवन कैसा होता और पहिए की जगह हम क्या प्रयोग करते, और जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ होता तो क्या होता। ये सारी बातें कमेंट में आप जरूर करेंगे, आपकी दिमाग की क्षमताओं का विकास होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।